हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर छत्तीसगढ़ से यहाँ पे विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। आप लोग लास्ट डेट का इंतजार न करते हुए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे किन किन पदों पर रिक्त वैकेंसी है ये भी देखेंगे, और लास्ट डेट जो है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, फीस कितना है और यहाँ पे जॉब का स्किल पे कितना रहेगा, ठीक है, और कितना पोस्ट है, किसके लिए कितना पोस्ट है, ये भी हम सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि इसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिले। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वैकेंसी में क्या क्या यहाँ पे जो विज्ञापन आया हुआ है, विज्ञापन जारी हुआ है, इसमें कितनी पोस्ट है और लास्ट डेट क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये देखेंगे, ये 24 तारीख का ही विज्ञापन है और यहाँ पे ये आपका 31/1/2022, ठीक है, 31 जनवरी लास्ट डेट है दोस्तों। संध्या 5 बजे तक यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे देखेंगे दोस्तों, जो है आपका शीघ्र लेखन हिंदी का है। यहाँ पे पोस्ट जो है, यहाँ पे अगर ऊपर ही देख लेंगे तो यहाँ पे जो दे दिया गया परिवार न्यायालय रायपुर की स्थापना के नियमानुसार हिंदी, यहाँ पे स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 वाहन चालक एवं आदेशिका वाहक के रिक्त पदों की सीधी भर्ती के पूर्ति यहाँ पे है, तो भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोस्तों पूरा दे दिया गया है पोस्ट कितना है, ठीक है। हम पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले देख लेते हैं हिंदी के स्टेनोग्राफर जो यहाँ पे शीघ्र लेखक के हिंदी दिखाया गया है। यहाँ पे जो है आपका 5 पोस्ट, ठीक है, 5 पोस्ट है। और यहाँ पे देखेंगे जो है आपका यहाँ पे पिछड़ा वर्ग करके सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। टोटल इसमें 5 वैकेंसी है। तो यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है एक, और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए है एक, और अनुसूचित जाति के लिए एक है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका दिखा रहा है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे और आगे यहाँ पे जो अनारक्षित तो सामान्य वर्ग के लिए दोस्तों यहाँ पे इनके लिए 2 पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे वहीं सहायक ग्रेड 3 की बात कर लें तो 10 पोस्ट है यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा सहायक ग्रेड 3 में जो जो पोस्ट है आप देख लीजिएगा। फिर वाहन चालक आदेशिका वाहक कुल योग यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है, अगर देखेंगे टोटल वैकेंसी है तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है आपका 23, ठीक है। सभी का मिला के देखेंगे तो यहाँ पे 23 वैकेंसी है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे संकेतक जो दिया गया है, फिर यहाँ पे महत्वपूर्ण जो दिया गया है पदों की संख्या परिवर्तनीय है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो पदों की संख्या है यहाँ पे ये परिवर्तन किया जा सकता है इसमें, ठीक है, या कम ज़्यादा कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। आगे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है भर्ती की पात्रता यहाँ पे शर्तें जो दी गई हैं, हमें टर्म्स एंड कंडीशन जो है यहाँ पे शीघ्र लेखक हिंदी पद के लिए जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण यहाँ पे 2017 के हिसाब से लेवल 7 दिया जाएगा। लेवल 7 में आपका कितना रहेगा शीघ्र लेखन हिंदी स्टेनोग्राफर का जो रहेगा इस यहाँ पे आपका सैलरी जो रहेगा यहाँ पे 28,700 से 91,300, ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के आपका जो है लेवल 7 दिया जाएगा। आगे देखेंगे शैक्षिक योग्यता यहाँ पे क्या मांगा गया है, शैक्षिक योग्यता में है किसी भी यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग यहाँ पे 40% आपका जो होना चाहिए आपका 40% अंक प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आपका शीघ्र लेखन यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे किस यहाँ पे जो है आपका शीघ्र लेखक यहाँ पे शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समझ यहाँ पे प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये प्रमाण पत्र भी मांगे गए हैं, जैसे स्टेनोग्राफर का आप सर्टिफिकेट हो गया ना, इसका भी मांगा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी कुछ आपको पता होना चाहिए, जैसे DCA हो गया, कोपा हो गया, ठीक है। ये आपका कोपा तो MP में और छत्तीसगढ़ में इधर चलता है, ठीक है। और यहाँ पे वहीं सहायक ग्रेड 3 की बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पे भी टाइपिस्ट आदेशिका लेखक, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे है आपका 19 लेवल 4 दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेवल 4 दिया जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा लेवल 4 दिया जाएगा। और यहाँ पे शैक्षिक योग्यता क्या है ये आपको दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि इसमें स्पीड कितना रहेगा, सब कुछ हम एक्यूरेट बात करेंगे, ठीक है। और आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें जो है आपका आ गया तीसरा वाहन चालक में जो है लेवल 4 दिया जाएगा आपका वाहन चालक में, ठीक है। और इसमें क्या है आपका 8वीं कक्षा से आप पास हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 4 है, ठीक है। और आपका यहाँ पे सैलरी जो रहेगा 19,500 से 62,000 सैलरी रहेगा। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, तो जो है आपका चतुर्थ श्रेणी में जो है आपका आदेशिका वाहक के लिए यहाँ पे भी लेवल 4 दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 18,000 से 56,900 सैलरी रहेगा। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे शैक्षिक योग्यता में दिया गया है पूर्व माध्यमिक, यहाँ पे किसी भी आपका किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या पूर्व माध्यमिक शाला से 8वीं पास आपके पास यहाँ पे
आठवीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रमाण पत्र, ठीक है। आगे देखेंगे आयु सीमा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी पात्र होंगे जिन्होंने 1 जनवरी 2022 को, ठीक है, 18 साल के हो गए हैं और 30 साल से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पे पात्र होंगे। और यहाँ पे अधिक 45 वर्ष से अधिक होगी यहाँ पे जो दोस्तों जो है यहाँ पे आयु छूट भी दी जाएगी, ठीक है। एज रिलैक्सेशन का भी यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, आगे यहाँ पे देखेंगे नियुक्ति हेतु चयन यहाँ पे जो है आपका परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका शीघ्र लेखक हिंदी के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन रहेगा, 2.50 मिनट का हिंदी शुद्धलेख दिया जाएगा और यहाँ पे आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा टाइपिंग करने के लिए, ठीक है। अगर आप सही से पूरा सबसे ये कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका 100 नंबर रहेगा, ठीक है, 100 नंबर आपको दिया जाएगा। वहीं सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पे 250 शब्द रहेगा आपके पास, गद्यांश रहेगा और 10 मिनट में आपको टाइप करना होगा, ठीक है। वाहन चालक की बात करें दोस्तों, इस पद पर भर्ती है तो अभ्यर्थी से वाहन परिचालन का परीक्षण लिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वाहन चला के आपका यहाँ पे परीक्षण किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे यहाँ पे दो दे दिया गया है, नोट में कुछ दिया गया है, मेंशन किया गया है, आप इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करके वहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे दोस्तों ये वेबसाइट है, यहाँ पे वेबसाइट पे भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जो है यहाँ पे ये दे दिया गया है दोस्तों कि क्या क्या है, महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, तो जो है आपका यहाँ पे ये जो 7वें नंबर पे दे दिया गया आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे देख लेना, यह विज्ञापन जो है ये बिना किसी कारण बताए किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी, ठीक है। यहाँ पे बिना कुछ कारण बताए आप ये निरस्त की जा सकती है, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है, मतलब कि अगर आवश्यकता है तो ये कराएंगे, नहीं आवश्यकता है तो निरस्त भी की जा सकती है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो ये आपका प्रोफार्मा हो गया आगे यहाँ पे, ठीक है, आवेदन प्रारूप है यहाँ पे, आपको ये सबमिट करके भेजना है, ठीक है, यहाँ पे भेजना है, ठीक है, क्या ये आगे आपका यहाँ पे भेजना है इसका प्रति, ठीक है। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको भेज देना है पूरा प्रोफार्मा सबमिट करके, अभी तक यहाँ पे जो आपका नाम होगा, जन्मतिथि हो गया, सब कुछ, मोबाइल नंबर सब कुछ भर के डिटेल पूरा फीड करके फिर आपको एक जो है बना के इसमें भेज देना। और भी यहाँ पे दोस्तों आपने सर्टिफिकेट की बात की है उसको भी सर्टिफिकेट आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी सीख लेखक प्रमाण पत्र भी भेजना पड़ेगा, अगर आपने स्टेनो के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको उसका भी भरना पड़ेगा। और फिर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो है आपका वाहन चालक, फिर यहाँ पे जो है आपका छत्तीसगढ़ के लिए, फिर यहाँ पे आवेदक का पंजीकरण ये जो आपका ये भी भरना पड़ेगा, ठीक है, हस्ताक्षर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ये आपका परीक्षा केंद्र का जो रहेगा ये उधर से इसी तरीके से फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। फिर आपको परीक्षार्थी के अनुदेश यहाँ पे पूरा दे दिया गया दोस्तों, यहाँ पे परीक्षार्थी के लिए जो अनुदेश जारी किया गया है, परीक्षार्थी किस परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है, विलम्ब से उपस्थित होने वाले जो है वापस परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। जो भी परीक्षार्थी यहाँ पे अगर लेट पहुँचते हैं उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है, ठीक है। परीक्षा के केवल काले अथवा नीले पेन की का ही उपयोग करें। परीक्षार्थी उक्त प्रवेश पत्र को स्वयं भरकर साथ लेकर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों कुल मिला के जो है प्रवेश पत्र को अपने पास ही इसको रखना है। प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देश निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किए गए फोटो के अनुसार ही फोटो चिपका करना अनिवार्य है, ठीक है। चिपकाना यहाँ पे अनिवार्य है। एक अतिरिक्त फोटो साथ में भी लेकर जाना है। परीक्षार्थी जो है प्रवेश पत्र केवल परीक्षा के दिन परीक्षा कक्ष में समय ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा PDF आप मैंने दिखा दिया, आप लोग समझ में आ ही गया होगा कि क्या है इसमें, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आई होप आपकी सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करेंगे तब भी आप वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वीडियो लास्ट तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।